भारत देश में भारत के ही झंडे का अपमान हो तो कितना शर्मनाक बात है। जी हाँ, आपने सही सुना, फिर भारत में देश की शान तिरंगा का अपमान हुआ है। दरअसल बिहार के सिवान जिले में तिरंगा के साथ छेड़छाड़ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक हाथ में तिरंगा लिया हुआ है और उस तिरंगे में चक्र की जगह तलवार दिख रहा है और उसके ऊपर कुछ नारे भी लिखे हुए हैं। पूरा वीडियो सिवान जिले के हसनपुरा थाना क्षेत्र के बताया जा रहा है। आज मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन के अवसर पर जुलूस निकाला हुआ था, उसी जुलूस में एक युवक हाथ में तिरंगा लेकर लहराता रहा और उस तिरंगे से चक्र गायब था और चक्र की जगह तलवार का चिन्ह बनाया गया था। वहीं वीडियो वायरल के बाद लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। नियमों के मुताबिक आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज में किसी तरह की तस्वीर, पेंटिंग या फोटोग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं मेले या जुलूस में फटा हुआ झंडा भी लेकर नहीं प्रदर्शन करना चाहिए। ध्वज के साथ छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त से बाहर होता है। यह वीडियो मोहम्मद पैगम्बर के जन्मदिन के अवसर पर रविवार को अरांडा स्थित मदरसा गौसिया के बच्चों द्वारा निकाली जुलूस का है। इस को अब सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, जान उन पे हम लुटवाएंगे, उनकी खातिर सर कटाएंगे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच का आदेश दिया है। लोगों का कहना है कि युवक के हाथ में जो झंडा है उससे अशोक चक्र हटाकर दो तलवार बनाया गया है, जो देश के झंडे का अपमान है। नियमों के मुताबिक आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज में किसी तरह की तस्वीर, पेंटिंग या फोटोग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। फटा हुआ और मैला झंडा प्रदर्शित नहीं कर सकते। ध्वज के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, इसे झुका नहीं कर रखना चाहिए। जहां तिरंगा फहराया जा रहा है वहां यह सबसे ऊपर होना चाहिए। जिस भी खंभे या स्तंभ पर झंडा लगा हो उस पर किसी तरह का विज्ञापन नहीं होना चाहिए, यानी राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता है। इससे पहले भी सिवान में बीते स्वतंत्र दिवस के दिन कई तस्वीर वायरल हुआ था, जिसमें तिरंगा के बीच चक्र ही गायब था तो कहीं तिरंगा उल्टा फहराया गया था। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सिवान के एसडीपी अशोक कुमार आजाद ने बताया कि मामले संज्ञान में आ गया हुआ है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि केवल खबर में ही सिमट जाता है या इस मामले में गिरफ्तारी भी होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।